हे एवरीवन आईसीएआर की तरफ से आप लोगों के पीजी और पीएचडी एच का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है अगर हम इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यस तो बेसिकली इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ़ॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आई सी ए आर एंड ए आई सी ई जे आर एफ एस आर एफ पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन अलैंथ ऑफ अप्रैल मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और एलेवंथ मे पाँच बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं ओके डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून करेक्शन विंडो वगैरह बता दी है आपको मोड सी होगा ऑनलाइन होगा और पैटर्न जो है आपका एम होंगे दो घंटे का पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा इसकी डिटेल्ड इंफॉमेशन बुलेटिन की तरफ चलते हैं यहाँ देख सकते हो सबसे पहले आप सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अबाउट द फी डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स डेट्स मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पर जो फ़ी आपको पे करनी है वो मैंशन कर दी गई है ठीक है कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा क्या होगा ये सब आपको बता दिया गया है यहाँ पर वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा को थ्रू कर लीजिएगा इसके बाद में बात कर लेते हैं ये एग्जामिनेशन के बारे में तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपका सेवेंटी टू सब्जेक्ट्स में और एटी नाइन सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जाएगा ऑल ओवर इंडिया अलग अलग डिसप्लिनस में एडमिशन थर्टी परसेंट सीट्स मतलब जो हंड्रेड परसेंट सीट्स है इन कुछ एरियाज इन कुछ इंस्टीट्यूशन की तो इनमें से थर्टी परसेंट सीट्स जो है एडमिशन वो ए आई आई सी ए आर एस्टम के अंडर आएगा फर्दर चालीस परसेंट से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कैंडिडेट से नहीं होंगे आ, किसी एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट में ठीक है इसके अलावा ये जो आपका पी एच डी का अवार्ड है ये बेसिकली अवार्ड किया जाएगा टू लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट इन दिस एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स डिक्लेयर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चूज चॉइस फिलिंग फॉर काउंसिलिंग विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट एन द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मतलब कि जो एलिजिबल होंगे इन सब चीज़ों के लिए उन्हीं को सिर्फ एलोकेशन uh, के लिए कंसिडर किया जाएगा कोई डायरेक्ट नॉमिनेशन का प्रोविजन यहाँ पर नहीं है ठीक है सब्जेक्ट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आप आगे जाकर अभी देखेंगे तो उनको देख पाएंगे दैन यूनिवर्सिटी वाइज नंबर ऑफ सीट्स वगैरह का भी आपको टेबल दे दिया गया है ठीक है थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर दिखेगा आपको यस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक पेपर होगा सिर्फ दो घंटे का होगा वो पेपर ठीक है इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वन ट्वेंटी होंगे उसमें से बीस क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए जनरल नॉलेज रीजनिंग एबिलिटी के होंगे पचास क्वेश्चन पार्ट बी कोर ग्रुप कंटेनिंग जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो आपने ऑप्ट किया है फॉर पी एच डी वो होंगे और पचास सवाल जो हैं वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर पी एच डी तो बेसिकली आप देख सकते हो कि पार्ट बी कोर ग्रुप वाले सब्जेक्ट्स हैं देन ये तो इस तरीके से ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी में डिवाइडेड है नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप एम सी क्यू होंगे इसको मैक्सीम मार्क जो है फोर एट्टी होगा ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो ट्वेंटी क्वेश्चन जो है मतलब तो हर एक क्वेश्चन बेसिकली चार नंबर का है तो चार नंबर एक सवाल के होंगे और माइनस वन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी मीडियम ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा ठीक है सब सेट बता दिया गया है सेक्शन ए में पहले जो बीस एम सी क्यू हैं वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होंगे बी और सी में जो यहाँ पर है ये कोर ग्रुप को आप प्रेफर कर सकते हो ठीक है बेसिकली कोर ग्रुप ये रहा आपके सामने जो सेक्शन बी में है क्रॉप साइंस क्रॉप साइंस टू हॉर्टिकल्चर वगैरह वगैरह यहाँ देख सकते हैं ये सारे कोर ग्रुप्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे कहाँ पर सेक्शन नंबर बी में देन सबसेट सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो जो स्पेशलाइज uh, सब्जेक्ट था मास्टर्स डिग्री में जो आपने ऑप्ट किया होगा अकॉर्डिंगली उसके थ्रू आपको यहाँ पर सी uh, सेक्शन का क्वेश्चन uh, मिल रहे होंगे ठीक है फिर बात कर लेते हैं फिर कि एक सेकेंड यस तो सिलेबस आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, में शेयर कर दूँगी पीडीएफ का लिंक आप वहाँ से जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो तो सेवनटीन एटीन के सेशन से जो क्राइटेरिया है जे आर एफ एस डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के बेसिस पर वो हैज़ बीन चेंज टू एवरेज नंबर ऑफ एस्पेरेंट्स एक्चुअली अपियर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पिछले तीन साल में अप्लाई किए हुए फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके लिए कितने बच्चे अप्लाई किए हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर जो सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है वो रखा गया है ठीक है नाउ तो नंबर ऑफ़ फेलोशिप जो है वो टेंटेटिव है और वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कितने बच्चे एक्चुअली बैठेंगे है ना और फाइनली uh, काउंसलिंग के समय पर ही पता चल पाएगा कंडीशन क्या है ये सिर्फ अवार्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिक्योर्ड इन दिस एग्जामिनेशन लीडिंग टू एडमिशन इन पी डिग्री प्रोग्राम इन ये यूज़ मतलब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ स्टेट की हो वेटनरी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फिशरीज एटसेकट्रा एटसेकट्रा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ठीक है ना द फेलोशिप विल नॉट भी अवेलेबल फॉर एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी अर देन ए यू अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और एडमिशन सिक्योर करते हैं तो उस केस में आपको इसके थ्रू फेलोशिपिपिपिपि नहीं मिलेगी ठीक है फेलोशिप सिर्फ और सिर्फ इंडियन फेलोशिप विल भी एडमिशबल टू पर्सनस ऑफ इंडियन नेशनैलिटी एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सिर्फ उनको मिलेगी जो कि काउंसलिंग जो आई सी आर के थ्रू कंडक्ट हो रहा है वहाँ से काउंसिलिंग uh, करके एंड उसके बाद पी एच डी डिग्री में एग्रीकल्चर e. यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये कि सिर्फ इन कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे उन्हीं को फेलोशिप uh, मिलने वाली है ठीक है फिर अवार्ड ऑफ फेलोशिप सिर्फ तब वैलिड होगा जब कैंडिडेट एक्चुअली उसमें एडमिशन ले लेगा है ना देन उसके बाद आगे चलते हैं और कुछ इसी से रिलेटेड बातें आपको बताई गई हैं विच इज़ अगेन बाद की बात है तो अकॉर्डिंग लिख सकते हो फेलोशिप का अमाउंट जो है वो कितना होगा थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ फॉर द थर्ड ईयर एस आर एफ कंटेंजेंट ब्रांड मिलेगी यहाँ पर आपको दस हज़ार रुपये पर ईयर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल केमिकल्स वगैरह ठीक है देन उस उसके, उसके बाद में जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन और फेलोशिप तभी मिलेगी जब जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं फॉर सच कैंडिडेट्स इन रिसीप्ट ऑफ फुल पार्शल लीव सैलरी फ्रॉम देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका जो फिर भी अमाउंट है फेलोशिप का वो तीन हज़ार पे लिमिट होगा इन एडिशन टू द रिसर्च कंटेंजेंसी ठीक है दैन फेलोशिप विल बी टेनेबल ओनली एट द यूनिवर्सिटी वेयर पी एच डी प्रोग्राम कंसिट ऑफ बहुत कोर्स एंड रिसर्च मतलब आपको वही कोर्स वर्क करना होता है रिसर्च वर्क करना होता है तो दोनों चीज़ जहाँ पे आप करेंगे वहीं उसी के थ्रू ही आपको फेलोशिप मिल रही होगी ओके दैन जे आर एफ फोल्डर पी एच डी होल्डर विल हैिक्वायर्ड टू मेनटेन एन ओ जी पी ए सी जी बी एफ सेवन आउट ऑफ टेन है ना अवार्ड जो होगा इसका शैल बी गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक है ओके देन यहाँ पर कुछ आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया बता दिया गया है किस किस सिनेरियो में यहाँ पर कुछ थोड़ा सा रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है देन रिजर्वेशन पॉलिसी एस सी एस टी ओ बी सी वगैरह के केस में आप पढ़ सकते हैं एक बार यहाँ पर ठीक है पी डब्ब्ल्यू बी डी यस पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स के लिए भी आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉमेशन मिल, मिल रही है उसको देख सकते हो जनरल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जिन्होंने भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को पास किया है विद द मिनिमम ऑफ ओवरऑल ग्रेड शोन इन टेबल टू मतलब यहाँ दिखाए गए हैं ठीक है वो एलिजिबल होंगे इन अदर केसेज़ जहाँ पर ग्रेड पॉइंट्स अवार्ड नहीं होते सिर्फ मार्क्स होते हैं तो मार्क्स के हिसाब से मिनिमम परसेंट स्कोर जो है उसको निकाल के आप कर सकते हैं और uh, यहाँ पर देख सकते हैं आप एलिजिबल है कि नहीं फर्दर इन केस एनी डिग्री फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन बाई इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज वगैरह ठीक है आई सी आर विल नॉट भी रिस्पॉन्सिबल तो बेसिकली सिंपल है कि कोई भी कंफ्लिक्ट वाली स्थिति है तो वहाँ पर वो नहीं कर रहे होंगे है ना अब मार्क्स देख लीजिए जनरल ओ बी सी एन सी एल यू पी एस ई डब्ल्यू एस के केस में टेन पॉइंट स्केल पे सिक्स पॉइंट फाइव होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली एंड देन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो सिक्सटी परसेंट होना चाहिए एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी थर्ड जेंडर के केस में फाइव पॉइंट फाइव ज़ीरो एंड परसेंट के फॉर्म में फिफ्टी परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं ठीक है देन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एस्ट एट मास्टर्स लेवल अगर आप देखोगे यहाँ बता दिया गया है जेनेटिक्स स्टैंड ब्रीडिंग साइट सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत सारे हैं ये सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ बता दिया गया है। मतलब अगर आप इस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो ये आपका मास्टर्स का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ठीक है इसके अलावा बैचलर्स लेवल पे आई ए आर आई बी एस सी टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम में होना चाहिए तो हर एक सिनेरियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि वॉट इज़ दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है नाउ मतलब अगर आप बैचलर सिविल यहाँ से कर रहे हैं इस जगह से तो इस जगह पे क्या बैचलर का क्राइटेरिया है एडिशनल वो आपको बता दिया गया है है ना देन बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स फिर आपके सामने मेंशन कर दिए गए हैं प्लीज़ डोंट टास्क मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ मैम क्योंकि बहुत क्लियरली यहाँ पर मैंशन किया हुए हैं उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए प्लान बायो आपने पढ़ी है बायो आपने पढ़ी है या फिर मान लीजिए यहाँ पर आपने वेटनरी साइंस पढ़ी तो डेफ़िनेटली आप एनिमल न्यूट्रिशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से तो वही है यहाँ पर मेनली बातें ठीक है तो इसको देख लीजिएगा एक बार क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और आपके एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए है ना फिर इसके बाद में और एज uh, लिमिट बता दी है कि बीस साल कम से कम होना चाहिए ठीक है एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट ठीक है इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन नहीं है इन परमिश परमिस रिगार्डिंग द मिनिमम एज लिमिट तो मैक्सिमम इन्होंने नहीं बोला है मिनिमम एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है कि वॉट इज़ द मिनिमम एज लिमिट ओके एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको बता दी गई हैं कैसे अप्लाई करना है ये सब मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर बहुत अच्छे से ठीक है फी वगैरह कैसे पे करनी है ये सारी बातें हो गई इधर एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बात बाद बारे में आती है तो आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मोस्टली हमने यहाँ पर कवर कर ली ठीक है बाकी रिज़ल्ट वगैरह के बारे में बता दिया गया है आपको कुछ प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन है आपको सिटीज़ और की लिस्ट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है अकॉर्डिंग के आप देख सकते हो काफ़ी सारी जगह पे एग्जामिनेशन होगा स्ट्रीम इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के कोड बता दिए गए हैं अप्लाई करते वक्त आपको लगेंगे जो कि ठीक है देन मोड ऑफ़ पेमेंट वगैरह तो इस तरीके से आप देख सकते हैं uh, इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए इफ़ यू आर लाइक फुलफिलिंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेक श्योर ज़रूर अप्लाई करें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके थ्रू uh, कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा खासा लाइक एग्जाम तो आप क्लियर करते ही हैं फॉर एग्जाम्पल कहीं पर एडमिशन के लिए फेलोशिप के साथ में बट आ, साथ ही साथ आ, अगर आप किसी और के थ्रू भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप सी एस आई क्वालिफाइड भी हैं तो आपका सी बी में एड ऑन होता ही होता है तो ज़रूर से अप्लाई कीजिए सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक like कर दिया है अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है बट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय